हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और चने का मज़ेदार सब्ज़ी। तो चलिए, सबसे पहले हम कुकर में आलू ले लिए हैं। दो आलू हम काट के इसी तरीके से धो के हम डाल दिए, और चना 100 ग्राम है, एक कटोरी चना हम यहाँ पे डाल दिए। आधा गिलास पानी डाल देंगे इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, और ढक्कन लगा दूँगी। दो सीटी होएगा, उसके बाद हम उतार देंगे। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिए हैं 10 लहसुन की कलियाँ, अदरक और एक प्याज। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्सर में पीस लेते हैं। ये देखिए, आपका ये पिसा गया है। अब इसको हम एक बर्तन में रख लेते हैं, और उसके बाद हम पीसेंगे दो टमाटर। इसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से, और दो तीन सूखी मिर्ची, तीखी वाली है, इसको भी हम पीस लिए। अब चलिए, मसाला रेडी हो गया। तब तक ये चना और आलू उबल गया, देखिए कितने अच्छे से उबल गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और कढ़ाही हम चढ़ा दिए गैस पे। देखिए, कढ़ाही गर्म हो गया। हम दिया सरसों का तेल, और यहाँ पे हम डालेंगे जीरा और थोड़ा अखा सरसों यानी कि राई। यहाँ पे हम डालेंगे दो तेज पत्ता तोड़ के डाल दिए, दो सूखी मिर्ची और दो हरी इलायची। अब इसमें हम थोड़ा सा जला लेंगे इसको, देखिए। और अब हम डाल देंगे पीसा हुआ अदरक लहसुन और प्याज। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, देखिए अच्छे से हम भून लेंगे इसको। देखिए, अच्छे से भुना गया है, पानी भी सूख गया, और अच्छे से देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है ना, अच्छे से भुना गया, एकदम पूरा पानी सूख गया और ब्राउन होके पक गया। अब यहाँ पे डाल देंगे पीसा हुआ टमाटर, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे, इसे भी हम पानी सुखा के भूनेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे मसाला, ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा भून लेते हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और इसमें हम ऐड कर देते हैं काली मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं सारे मसाले को, देखिए। और मसाला को ज़्यादा जलाना नहीं है, देखिए अच्छे से मसाला भुना गया है। अब इसको और ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे उबला हुआ आलू और चना, देसी चना है ये। और देखिए, इसको हम अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा देर तक खुला पकाएंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भुना गया है, थोड़ा और भून लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी, थोड़ा और चढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी, दो गिलास हमने पानी ऐड करेंगे यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि मीडियम ग्रेवी अच्छा लगता है, ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम नमक, थोड़ा कम था तो नमक थोड़ा डाल दिए, और थोड़ा चला के हम इसे हम 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, बस अच्छे से पक जाए। देखिए, आपका चना और आलू का सब्जी बन के रेडी है। कितना अच्छा से पक गया है ना, टेस्टी लग रहा है ना देखने में। बहुत इजी तरीके से और जल्दी में और कम समय में, कम मसाले में अच्छे से बन के रेडी हो जाता है, और ये बारिश में बहुत अच्छा लगता है खाने में। फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर बनाइएगा, और आपको मेरा सब्ज़ी बनाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल अभी तक आप फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फ्रेंड कर दीजिए प्लीज़, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं, और तारीफ भी करेंगे आपको। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, तो आप गर्मा गर्म परोसिए फ्रेंड्स। और इसमें हम देखिए चावल और रोटी और थोड़ा सब्ज़ी में घी डाल दिए हैं। अब खाइए और स्वस्थ रहिए, बहुत पसंद आएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय।